हामी एग्रीमेन्टै गर्न तयार थियौँ, तर एग्रीमेन्ट चाहिँ किन गर्न सकिएन भने अहिले पनि इआइए एप्रुभ हुने र सरकारसित प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट हुने चरणमै छौँ हामीहरू। नेपालका कानुनी प्रक्रियाहरू एकदम लामा छन् यस्ता ठुला परियोजनाहरू गर्नका लागि, त्यही प्रक्रिया हामीहरू पुरा गर्दैछौँ। अब आशा एवं विश्वास छ 180 दिनभित्र हामीहरूले त्यो प्रक्रिया पुरा गर्छौँ र अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ पुरा एग्रिमेन्ट त्यो बिओक्यूहरू बिल अफ क्वान्टिटी राखेरै एग्रिमेन्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुने भनेर हामीहरूले सम्झौता गर्यौँ। यसको अर्थ के हो भने अब लगभग 80% यसको वित्तीय स्रोत हामीहरूलाई जुट्यो। अब 20% वित्तीय स्रोत चाहिँ नेपालबाट र अब बाहिरबाट पनि अरू कम्पनीहरू, नेपाली कम्पनी, हामी जस्तै इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ इक्विटीको रूपमा अथवा सोपुँजीको रूपमा हामीले जुटाउनु पर्छ। अहिलेसम्म सोपुँजी जुटाएर यो प्रोजेक्टलाई यहाँसम्म लिएर आइसकिया छ। अपने आपमै इन्भेस्टमेन्ट रेज गर्नेमै सक्षम है। और रही बात सर जो आप कठिनाइयाँ आप बता रहे हैं, ये कठिनाइयाँ हर प्रोजेक्ट के साथ कहीं ना कहीं से, शायद सारी नहीं बट कुछ ना कुछ एसोसिएटेड रहती हैं। टेक्निकल चैलेंजेस हर प्रोजेक्ट में आते हैं, तो उन सब चैलेंजेस को मीट करना उसमें हम सक्षम हैं। अब रही बात आपने मुझे बताया क्लियरेंसेस वगैरह की, तो वो सब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ली जाएंगे। कोई नया प्रोजेक्ट आता है वो देश की इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजी को उठाता ही है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें समझते हैं, ना केवल उस प्रोजेक्ट से संबंधित टेक्नोलॉजी की बट उससे रिलेटेड जो काफ़ी सारी और एंसिलरी इंडस्ट्री खड़ी होती है उससे रिलेटेड। जैसे यहाँ पर हम टूरिज़्म की बात करते हैं, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो काफ़ी सारी टूरिज़्म अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी होंगी, शायद यू नो बेस्ट इन द इंडस्ट्री होटल्स यहाँ होंगे, तो इजाफा तो डेफिनेटली होगा।